नारायण विष्णु जो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, जो माता अदिति के पुत्र हैं, उनके द्वारा उच्चारित की हुई यह वाणी है, जो पुरुष सूक्त के नाम से ऋग्वेद में पाई जाती है। नारायण विष्णु कहते हैं, सहस्त्र शीर्ष पुरुषः, उस परमात्मा, उस परम पुरुष, सनातन पुरुष के हजारों मुख हैं। यजुर्वेद में यही ऋचा इस तरह से पाई जाती है, सहस्त्र बाहु पुरुषः, यानी उस परमात्मा, उस सनातन पुरुष के हजारों हाथ हैं, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों उसकी आँखें हैं, सभूमिम विश्वतो व्रत्वां त्यस्थते दशांगुलम। वह अपनी महिमा के द्वारा, अपनी रोशनी की चादर से इस पृथ्वी को और समस्त लोकों को ढके हुए आवृत करके बैठा है। पुरुष एवेदं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यं उत मृतवस्ये शानो यदन्ने नातिरोहति। भूत भविष्य सब कुछ ही उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित है। मोक्ष देने वाला वह सनातन ब्रह्म इस आत्मा में ही स्थित है। एतावानस्य महिमा तो ज्ञायानश्च पुरुषः, पादो अस्य विश्वभूतानि, त्रिपादस्य अमृतम दिवि। ये सारा जगत उसकी महिमा से आच्छादित है। आत्माएं उसकी प्रकाश बूंद हैं। उसने तीन लोकों को रचा है। वह परमात्मा उससे भी ज्यादा महान है, जितना कि कोई उसका वर्णन करता है। त्रिपाद ऊर्ध्वा उदयित पुरुषः, पादो अस्येह भवत पुनः, ततो विश्व व्यक्र मत साशनान शने अभि। अविनाशी परमात्मा सबके परे विराजमान है। वह चेतन और अचेतन सब में समाया है। वह तो प्राणों का भी प्राण है। तस्मात विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः, सह जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथोपुरः। रोशनी से सृष्टि को ढके, इस सृष्टि से भी परे वो बैठा है। 84 लाख योनियों को रच के सबसे अलग
वो बैठा है। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तनवता बसंतो अस्य सीदाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद हविहे। विश्व की सारी शक्तियां उस विराट पुरुष की आराधना करती हैं। इस यज्ञ में बसंत ऋतु घृत है, ग्रीष्म समिधाए हैं, शरद ऋतु हवि की तरह है, हविष्य है, जिसके द्वारा देवात्माएं उस सनातन पुरुष परमात्मा का यजन करते हैं। तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देव अयजंत साध्या ऋषियश्च ये। सृष्टि से ऊपर देवात्माएं उस परम ब्रह्म का अभिषेक करती हैं, सृष्टि की योजनाएं रचती हुई वे पवित्र आत्माएं अपने दिव्य मंत्रों से उस सनातन पुरुष परमेश्वर का श्रृंगार करती हैं। तस्माद्य जात सर्वहुतः सम्रतम प्रश्दाज्ययम पशून तामश्चक्रे वायव्या नारायण्यान ग्राम्याश्च ये। परमात्मा ने जगत रचा, अन्न रचा, ज्ञान रचा, ग्रामीण और जंगली पशु रचे, और उसने मंत्रों को रचा, सनातन ब्रह्म के पथ को रचा कि जिस रास्ते से आत्माएं उस तक पहुंच सकें। तस्मात् ज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामान्य जगगिरे छन्दासि जगगिरे तस्मात् जुस्त इस्मात् जायत। जगत को वश में रखता है वो, जन्म मरण रूपी यज्ञ करता है वो, आत्माओं को देता है गति, मंत्र और ऋचाएं रचता है वो। तस्मात् अश्वा अजायंत ये केच उभयादतः गावो ह जग्गिरे तस्मात् तस्माज जाता अजावयः। पशु पक्षियों को रचता है वो, देव दानवों को रचता है वो। गाओ उस प्रभु की महिमा, सबको मिटा मिटा के फिर से रचता है वो। यत पुरुषम व्यदधुः कतिथा व्य अकल्पयन मुखम किमस्य कौ बाहु का उरुपादा उच्यते। उस ब्रह्म पुरुष की कल्पना करते हैं, वह पुरुष कैसा है, उसका मुख कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, उसका पेट उसका हृदय कैसा है।
ब्राह्मणो अस्य मुखासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। मुख उसका ब्राह्मण जैसा, राजा हाथ जैसा है, वणिक पेट की तरह, शूद्र चरणों के जैसा है। चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षु सूर्यो अजायत। मुखादीन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत। मन उसका चंद्रमा जैसा, नेत्र सूर्य जैसा है, मुख इंद्र अग्नि के जैसा, प्राण वायु के जैसा है। नाभ्य आसीत अंतरिक्षम शीर्षणो ध्यो समवर्तत पदभ्याम भूमि दिर्शह श्रोत तथा लोक अकल्पयन। अंतरिक्ष उसकी नाभि है, उसका सिर द्युलोक है, उसके चरण ये भूमि है, उसके कान दिशाओं की तरह हैं, जहां सारी ध्वनियां गुंजायमान होती हैं। सप्त अस्य संपरिध्य य त्रिसप्त समिध कृतः देवा यज्ञं तन्वाना अबद्धं पुरुषं पशुं। सात परिधि उड़ंचस वायु देवता करते स्तुति। बारह आदित्य ग्यारह रुद्र आठ वसु उस सनातन पुरुष की करते स्तुति। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा इस्तानि धर्माणि प्रथम अन्यासन तेहम नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। सृष्टि रूपी यज्ञ को करते रहते देवता और अंत में उसी परम ब्रह्म में जाके लीन हो जाते सब देवता। हैं हजारों हाथ तेरे, हैं हजारों आँखें तेरे, हैं हजारों मुख तेरे, तू देखता रहता है फिर भी चुप रहता है। अति प्रीतम परमात्मा नतमस्तक मेरी आत्मा, तू हजारों बार बसंत धरती पे भेजता रहता है, तू हजारों बार बसंत धरती पर भेजता रहता है, तू हजारों बार बसंत धरती पर भेजता रहता है। हैं हजारों हाथ तेरे, हैं हजारों आँखें तेरे, हैं हजारों मुख तेरे, हैं हजारों चरण तेरे, तू देखता रहता है फिर भी चुप रहता है, फिर भी चुप रहता है, फिर भी चुप रहता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा